नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएड की बात करने वाले हैं। बीएड की परीक्षा फॉर्म भरने की स्थिति को लेकर बात करने वाले हैं, बीएड के री एग्जाम रिजल्ट अपडेट को लेकर बात करने वाले हैं। ये सारी समस्याओं को लेकर हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि छात्र काफी परेशान हैं, कॉल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और उन सारी कमेंटों को आज हम उनका जवाब देने वाले हैं। छात्र काफी परेशान हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, जिसका नाम है हैदर अली एजुकेशन अड्डा के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं बीएड संबंधित, साथ ही साथ हमसे लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐड नहीं आते हैं और हमने इसी वजह से नया चैनल क्रिएट किया है। उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल से भी जुड़े रहें, क्योंकि ये हमारा हमारी पहचान है ये चैनल और इस चैनल से। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बीएड परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि, क्योंकि लगातार जिस तरीके छात्र परेशान हैं वो लाजमी है, क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालय ने जो है बीएड री एग्जाम के रिजल्ट को अपडेट नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय अपडेट करना नहीं चाहता, विश्वविद्यालय के सामने भी बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है, विश्वविद्यालय के सामने भी बड़ी समस्या है, क्योंकि जो पुरानी एजेंसी थी उसका समय समाप्त हो गया था और नई एजेंसी को विश्वविद्यालय ने हायर कर लिया था, जिसके बाद जो परीक्षा है बीएड की उसको पुरानी एजेंसी ने कराया था। बड़ी गहराई से समझिएगा पूरे मामले को, फिर आपकी जो परेशानी है वो दूर जरूर होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी एजेंसी ने छात्रों की परीक्षा कराई थी, सारा डाटा छात्रों का पुरानी एजेंसी के पास था। कई ऐसे मामले विश्वविद्यालय में आए जिसकी वजह से विश्वविद्यालय ने पुरानी एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसका विश्वविद्यालय में आना भी प्रतिबंधित कर दिया। तो जो डाटा छात्रों के पास था, जो डाटा छात्रों का उस एजेंसी के पास था, उसको विश्वविद्यालय को लेना भी था, और जिन छात्रों का रिजल्ट और जिन छात्रों का रिजल्ट जारी हुआ है उनका वो पुरानी एजेंसी ने ही रिजल्ट को जारी किया है, और उनका रिजल्ट जारी हो गया, वो जो बच्चे पास हुए पास हो गए। लेकिन अभी भी बता दूं कुछ जिले हैं जिनका नाम मैं बता दूंगा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, इनके छात्रों का जो डाटा है वो पुरानी एजेंसी के पास था और उस एजेंसी से अब विश्वविद्यालय ने ले लिया है और नेक्स्ट वीक में उसका रिजल्ट नई एजेंसी के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा विश्वविद्यालय अधिकारियों का कहना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से छात्रों की कमेंटें आ रही थी, छात्र कमेंट कर रहे थे, उनकी कमेंटों को लेकर मेरी आज विश्वविद्यालय कंट्रोल डॉक्टर ओम प्रकाश जी से बात हुई थी बीएड परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को लेकर। तो मैं आपको बता दूं तिथि को, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को विश्वविद्यालय एक बार फिर से बढ़ा सकता है। उन्होंने बताया था कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी भी हजारों छात्र ऐसे हैं जिनके परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं, उनके परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएंगे, उनकी परीक्षा भी करवाई जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिकारी भी सारी चीजों से अवगत हैं, सारी उनको जानकारी है। और आपको बता दूं कि हमारे चैनल से भी विश्वविद्यालय अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो आप कमेंटें करते हो वो कमेंटें भी अधिकारी देखते हैं और उस कमेंट के आधार पे 20 छात्रों की समस्या का समाधान किया जाता है।